नचिकेता ने पूछा, कृपया यह बताएं, वह आत्मा कैसे प्रकाशित होती है, कैसे जानी जाती है? क्या सूरज से, दीपक की रोशनी से, चंद्रमा की रोशनी से? यमराज हंसने लगे और उन्होंने कहा कि नहीं, चंद्रमा, सूरज, तारे, दीपक इत्यादि तो स्वयं परमात्मा की रोशनी से रोशन है, ये कैसे परमात्मा को रोशन करेंगे? वह आत्मा स्वप्रकाशित है, वह स्वयं अपने आप को जानती है, जानना उसका गुणधर्म है। जो हम कहते हैं उसको चेतना, तो चेतना का मतलब है जानने की क्षमता। अगर हम आत्मा परमात्मा शब्द को हटा के बिल्कुल सटीक शब्द उपयोग करना चाहें जो एकदम से पकड़ में आ जाएगा, वह है जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। तो वह स्वयं को सीधा ही प्रत्यक्ष ज्ञान से जानती है, इसके लिए किसी सूरज की, किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, वह स्वयं ही रोशन है। लोग कहते हैं ना नूरानी रूह, स्वप्रकाशित आत्मा, इसलिए उसको जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है। अब हम बहुत महत्वपूर्ण सूत्र की तरफ जा रहे हैं। यमराज कहते हैं, ऊपर की ओर मूल वाला, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और नीचे की तरफ जिसकी शाखाएं हैं, ऐसा यह जगत सनातन पीपल के वृक्ष के समान है। जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर, ऐसा यह जगत है। इसका मूलभूत तत्व परमेश्वर ही है, ऐसे समझो परमेश्वर शीर्षासन कर रहे हैं, सब चीजें उल्टी हो गई, लेकिन है तो परमेश्वर ही। आगे का वचन चिंतन मनन योग्य है। यमराज कहते हैं कि महान भय स्वरूप परमेश्वर को जानकर जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है, फिर अनेक योनियों में आने की कोई व्यवस्था नहीं रहती। भय स्वरूप परमेश्वर को जानकर, महान भय स्वरूप, ऋषि शांडिल्य ने क्या कहा, नारद मुनि ने क्या कहा भगवान के बारे में, वह परम प्रेम स्वरूप है। यमराज कह रहे हैं वह महान भय स्वरूप है, दो बिल्कुल विपरीत बातें हो गई। जन्म की तरफ से देखोगे तो परम प्रेम, प्रेम से ही जन्म होता है। यमराज मृत्यु के देवता हैं, वे दूसरी तरफ से देख रहे हैं, उन्होंने मरते हुए रोते तड़फते बिलखते हुए लोगों को देखा है, पीड़ित और संतापग्रस्त विषादग्रस्त लोगों को देखा है, भयभीत लोगों को देखा है। वे कह रहे हैं परमात्मा महान भय स्वरूप है। अब आप पूछेंगे, बताइए फिर प्रेम स्वरूप है कि भय स्वरूप है? ये हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। ओशो ने इसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया, ये हमारी दृष्टि है। यदि हम डरते हैं, यदि हमारे भीतर कोई कामना है और मौत आ गई, तो मौत हमसे क्या छीन लेगी? हमसे भविष्य छीन लेगी, कामना पूर्ति करने का समय नहीं बचा, तब हम डरेंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो मृत्यु भयानक नहीं है, हमारी वासनाएं पूरी नहीं हो पाई इसलिए हम कांप उठते हैं। कबीर जैसा व्यक्ति, वो तो प्रतीक्षा कर रहा है, कहते हैं जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कम मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। जब यमदूत इनको लेने को आएंगे तो कबीर साहब तो पहले से खड़े हो जाएंगे, इनको घसीट के थोड़ी ले जाना पड़ेगा, वो आगे आगे चलेंगे, यमदूत पीछे पीछे चलेंगे, उल्टी स्थिति हो जाएगी कि यमदूत को घसीट के वो ले जा रहे हैं और वो डांटेंगे डपटेंगे, अलग कितनी देर क्यों कर दी। जिस व्यक्ति के भीतर कोई वासना नहीं बची, जिसे कुछ पाना नहीं है, जो परम तृप्त है, परम आनंद में है, मृत्यु से कुछ छीन ही नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु सिर्फ भविष्य छीनती है। जिसने वर्तमान का पूरा सुख ले लिया, परम संतोष जिसे हासिल हो गया,
उसके लिए परमात्मा भय स्वरूप नहीं है, मृत्यु भय स्वरूप नहीं है। लेकिन यमराज जो कह रहे हैं वह भी चिंतन योग्य विषय है। वे कह रहे हैं महान भय स्वरूप परमात्मा को जो जानता है वही जन्म मरण से छुटकारा पाता है, वरना यह आवागमन का चक्कर चलता ही रहेगा। जो भयभीत होता रहेगा इसका मतलब उसके भीतर कामनाएं शेष हैं, अपनी कामनाओं के कारण वो फिर जन्म लेगा, क्योंकि उनकी पूर्ति तो यही हो सकती है। समझो किसी व्यक्ति को स्वाद में बड़ी रुचि है, खाने का शौकीन। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि खाने के लिए जीते हैं। निश्चित रूप से मरते हुए इनके मन में एक ही वासना रह जाएगी, स्वाद की वासना, ये फिर जन्म लेंगे, क्योंकि भोजन का रस तो शरीर धारण करके ही लिया जा सकता है, आत्मा को तो किसी भोजन की जरूरत नहीं है। तो हमारी कामनाओं की वजह से हम पैदा होते हैं, और मृत्यु से जो भय लगता है वह भी इसीलिए लगता है। फिर विधि क्या हो साधना की, ओशो कहते हैं प्रकृति से जो प्रवृत्तियां हमारे भीतर दी गई हैं उसका तुम ठीक विपरीत प्रयास करो। ये जो उल्टा पीपल का वृक्ष की उपमा है ना, तो हमें क्या करना होगा, प्रकृति प्रदत्त हमारे भीतर जो प्रवृत्तियां हैं इनका ठीक उल्टा प्रयास करो। किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, गालियां दे दी और तुम क्रोधित ना हो, किसी ने तुम्हारा सम्मान किया और तुम प्रसन्न ना हो, वो जो उल्टा पीपल है वो सीधा होने लगेगा। यह कैसे संभव है, तथाता भाव की साधना के द्वारा, परम स्वीकार। सम्मान मिले की अपमान, सफलता मिले की विफलता, पुरस्कार मिले की दंड, गालियां मिले की प्रशंसा के गीत, ऐसे स्वीकार लो सब कुछ जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो एक सूत्र है इसका साक्षी भाव, दूसरा सूत्र है स्वीकार भाव। यह जगत ऐसा है इसे स्वीकार लो, स्वास्थ्य भी है बीमारी भी है, यश है अपयश भी है, प्रेम है धोखा भी है, सब कुछ है, धूप भी है छाया भी है। तब कोई चीज तुम्हें उद्वेलित ना कर पाएगी और तुम्हारी शांति सदा सदा बरकरार रहेगी। ऐसी निष्कामना भाव, ऐसा तथाता भाव, ऐसा साक्षी भाव साधना ही अध्यात्म का सार सूत्र है। तो परमात्मा भय स्वरूप है कि प्रेम स्वरूप है, ये हमारी दृष्टि पर निर्भर है, हमारी कामनाओं पर निर्भर है। आगे यमराज कहते हैं कि अपनी ज्ञानेंद्रियों को स्थिर कर लो, मन को चुप कर लो, बुद्धि निष्प्रयत्न हो जाए, तब परम गति उपलब्ध होती है। पहले कहा परम पुरुष, अब परम गति कह रहे हैं। इंद्रियों की गति रुक जाए, शरीर की गति रुक जाए, मन के जो विचारों की गति रुक जाए, हृदय में भावनाओं की गति रुक जाए, बुद्धि निष्प्रयत्न हो जाए, अर्थात तुम कहीं भी कुछ भी ना कर रहे हो किसी भी आयाम में, तब परम गति प्राप्त होती है। परम द अल्टीमेट। अच्छा हो एक विपरीत शब्द के द्वारा भी इसको समझ लें, भगवान कृष्ण गीता में इसी स्थिति को स्थित प्रज्ञ की स्थिति कहते हैं, पूर्ण स्थिरता, परम स्थिरता। बिल्कुल ठीक, दोनों विपरीत शब्दों से समझ लो, वह परम गति भी है और परम स्थिरता भी है, दोनों एक साथ हैं। यही वह अद्भुत रहस्य है। और इसे जानने के लिए कैसे हम अपनी इंद्रियों को चुप करें, मन को शांत करें, बुद्धि को निष्प्रयत्न करें, कहीं से भी जागरूकता माइंडफुलनेस को साधो। चलो सांस से ही शुरू कर दो, भगवान बुद्ध ने विपस्सना पर बहुत जोर दिया, कहीं से भी शुरू कर दो। ओशो ने सक्रिय ध्यान की विधि बनाई, इतनी सक्रियता कर लो कुछ मिनट के लिए कि तुम बिल्कुल थक जाओ और निष्क्रियता में पहुंच जाओ।
सीधे सीधे निष्क्रिय हो जाना, निष्प्रयत्न हो जाना इतना आसान नहीं है। भीतर की चंचलता, बेचैनी, रेस्टलेसनेस कुछ ना कुछ करना चाहती है। अच्छा है तुम तन को मन को सबको थका डालो, डीप रिलैक्सेशन अपने आप घटित हो जाएगा। तुम्हारी मौज तुम उसे स्थित प्रज्ञ होना कहो कि परम गति कहो, भीतर के रहस्यमय अनुभव को विपरीत शब्दों के द्वारा समझना ज्यादा आसान है। सच पूछो तो वह दोनों से भिन्न कुछ और ही होता है। हमारी भाषा में ऐसे शब्द नहीं बने जो उस मिस्टीरियस अनुभव को एक्सप्रेस कर सके। आगे नचिकेता को समझाते हैं यम कि कामना के संग ही मृत्यु का विसर्जन हो जाता है। जब तुम्हारा हृदय कामनाओं से मुक्त हो गया, समस्त ग्रंथियां खुल गईं, अब कोई गांठ नहीं बची भीतर, कोई बंधन नहीं बचा, तब मरण धर्मा मनुष्य इस शरीर में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है और अमृत को जान लेता है। इस शरीर में रहते हुए ही शरीर अपनी जगह अपने आयाम में रहेगा और वह साक्षी चैतन्य, वह निष्काम परम तथाता में डूबा हुआ चैतन्य अपने अमृत स्वरूप को जान लेगा। शरीर तो मरण धर्मा है, विचार तो मरण धर्मा है, भावनाएं भी मरण धर्मा है, सब आती हैं जाती हैं, बनती हैं मिटती हैं लहरों जैसी हैं, लेकिन इन सब के भीतर कुछ छुपा हुआ तत्व है एक, वह साक्षी चैतन्य अमृत स्वरूप है। अंतिम सूत्र में यमराज कहते हैं कि हृदय की 101 नाड़ियां हैं, इनमें से एक नाड़ी जिसको सुषुम्ना कहते हैं वह ऊपर की ओर जाती है कपाल की तरफ। उस सुषुम्ना नाड़ी से जो व्यक्ति प्राण त्यागता है, निष्काम होकर, वासना रहित होकर, वह परम अमृतत्व को, परमेश्वर को प्राप्त होता है। किंतु जिस व्यक्ति के भीतर कामनाएं हैं, वो अपनी कामनाओं के मुताबिक मरण काल में उन 100 नाड़ियों के द्वारा गति करता है और उनके अनुसार ही अलग अलग प्रकार की योनियों में चला जाता है। अंत में फिर दोहराते हैं यम कि सबका अंतर्यामी अंगुष्ठ मात्र परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है, ओतप्रोत है, न केवल भीतर बल्कि बाहर भी वही है, सर्वत्र वही है। उस एक को जानने वाला वही एक हो जाता है और इसकी विधि शरीर से धीरता पूर्वक स्वयं को पृथक अनुभव करने का प्रयास करो। साधना की पद्धति इतनी है, इस भौतिक काया से भिन्न स्वयं को जानने का, अपने आप को अनुभव करने का प्रयास। तो शुरुआत में लगेगा कि प्रयास है, अंत में तुम पाओगे यह तो तुम्हारा स्वभाव है, प्रयास नहीं है, तुम अमृत स्वरूप परम ब्रह्म ही हो, इससे भिन्न चाहो तो भी नहीं हो सकते। तो प्यारे मित्रों, जो मुख्य विधियां इसमें आई, मूलबंध की विधि, सक्रिय ध्यान की विधि ताकि निष्क्रियता में जा सकें, शरीर से भिन्न छिपा हुआ अमृत हमारे भीतर है, उसकी प्राप्ति पर हम मृत्यु के पार क्या है उसे जान लेते हैं, पर ब्रह्म को जानकर हम पर ब्रह्म ही हो जाते हैं।